अगला सवाल लेते हैं। विनय कुमार जी बंगलुरु से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विनय जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार जी, जी इंफोसिस के है 100 शेयर मेरे पास। हाँ हाँ 1532 और HDFC बैंक है 1681। कौन सा बैंक बोला आपने? HDFC बैंक। HDFC हो, वेरी गुड। हाँ राजेश जी बताइए, पहले तो बताइए आप इंफोसिस 1532 पे ले रखा है विनय जी ने, क्या करना चाहिए इनको? नीरज जी मुझे लगता है कि आईटी में मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है, मैं थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू यहाँ पे रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि जितनी पैनिक जितनी पिटाई झेलना था उतना आईटी पूरा झेल चुका है, अभी यहाँ से डाउन साइड इमीजिएट नहीं खुला है। टेक्निकली हम इसे ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, तो ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में हमेशा कॉन्ट्रा, यानी आप कह सकते हैं कि सेक्टोरल शिफ्ट होता है, सेक्टोरल बाइंग होती है, जो बहुत बड़े वहां से थोड़ा एग्जिट लेके लोग यहाँ पे पोजिशन बनाते हैं और इसी तरह से एक रिलीफ रैली ट्रिगर होती है। तो मुझे लगता है कि आईटी में जो बायस है वो यहां से पॉजिटिव बनेगा। रही बात इंफोसिस की, तो देखिए इंफोसिस मुझे लगता है कि 1400 का बेस बना के 1500-1550 तक की एक रैली देगा। तो यहाँ पे इंफोसिस, यस इट्स अ बाय फॉर मी। नॉट ओनली इंफोसिस, हमारी नजर HCL टेक्नोलॉजीज पे है, टेक महिंद्रा पे है, मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन बना रहेगा। इनफैक्ट कल की बात है परसिस्टेंट, वो भी आज अच्छा चला। तो आईटी इज अ कॉन्ट्रा बाय। आईटी इज अ कॉन्ट्रा बाय, इंफोसिस में बने रहिए। और दूसरा स्टॉक है HDFC बैंक, इस पे क्या करें? नीरज जी मुझे लगता है कि HDFC बैंक में हुआ क्या है कि बहुत ज्यादा फोकस हो गया है सबका, कोई एक्सिस को नहीं देख रहा है, कोई ICICI को नहीं देख रहा है, सबकी नजर HDFC बैंक पे है। ये सबका आप कह सकते हैं कि सबके सबका इंटरेस्ट है इसमें, तो ये इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। हर एक आदमी हालांकि के पास है, अगर आप सबके पास है, छोटे बड़े हर आदमी के पास, सबकी सबके पास है HDFC बैंक। सबके पास है हाँ और सबको चाहिए भी, सबको और चाहिए सबको, बताओ। तो ये मेन रीजन है। देखो एक्सिस बैंक तो ये बस इसी वजह से HDFC बैंक नहीं चलता, जब सबका इंटरेस्ट छूट जाएगा, कोई इसको कवर नहीं करेगा, उसके बाद HDFC बैंक चलेगा, मेरा गट फीलिंग कहता है। तो देखिए HDFC टेक्निकली मुझे लगता है जब तक ये 1350-1300 हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत पेन आ जाए, कहीं सप्लाई आ जाए, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि HDFC में आपको थोड़ा पेन झेलना पड़ेगा, इतना इमीडिएट इसमें कोई रिलीफ नहीं आएगा। तो फॉर मी दिस इज एन एक्यूमुलेशन, क्योंकि ये हेवी वेट है। आपको तो अगर काम करना है, SIP करना है, लॉन्ग टर्म की बात करनी है, तो ये तो बड़े काउंटर से, ये तो हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए और वो भी ऐसे करेक्शन में। तो मेरे हिसाब से काउंटर ठीक है, ठीक है थोड़ा एंट्री आगे हो गया है, लेकिन 1400 का सपोर्ट जो मैं दिमाग में मेरे है कि 1400 के नीचे ये नहीं जाना चाहिए, तो अगर उस लेवल के आसपास मिले तो आप यहाँ पे जोड़ देना। ओके 1400 के नीचे नहीं जाना चाहिए, बाई चांस अगर जाता है तो उसमें और ऐड करना चाहिए। बड़ा देश का बहुत ही बड़ा बैंक है, तो इस पर नज़र रखनी चाहिए। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की